सो इन द रिसेंट कपल ऑफ मंथ्स ये बहुत बार सुनने में आता है कि टेस्ट सीरीज बेकार है क्योंकि यू पी एस सी के पैटर्न को फॉलो नहीं करती है तो भाई क्या ही पॉइंट है टेस्ट सीरीज देने का एंड पी वाई क्यूज पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए ना वेल पी वाई क्यूज आर ग्रेट पी वाई क्यूज आर योर बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस एग्जाम एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस इज वेल विच वॉज दिस वन जहाँ पर मैंने बताया चार तरीके से आप पी वाई क्यूज आपके मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं बट पी वाई क्यू आर नॉट दी ओनली थिंग इन दिस वीडियो विल बी मेकिंग अ केस फॉर वाई टेस्ट सीरीज आर इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम आई वैल बी टॉकिंग अबोट कि भाई कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको देनी चाहिए हाउ मेनी टेस्ट यू शुड गेव टेस्ट को यूज़ कैसे कर रहे हैं राउंड सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे एंड एक ओएमआर शीट का सैपल पीडीएफ मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा तो इफ वांट दैट सैम्पल पीडीएफ यू कैन चेक आउट द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन इट विल भी शेयर आप वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड दैट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जब टेस्ट दे रहे हो तो गिव दम ऑन द एक्चुअल ओ एम आर सो लेट्स गेट स्टार्टड द फर्स्ट फॉर थिंग जो लोग बोल रहे हैं कि भाई यू पी एस सी प्रम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो यू के पैटर्न पर नहीं है तो भैया एक चीज़ आप भी ये लो कि भाई यू पी डज नॉट फॉलो यू पैटर्न एंड फॉर एक्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन फ्राम द प्रीवियस वीडियो दैट वी टॉक्ट अबाउट तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सी एस पी ट्वेंटी थ्री दिस इज फ्रॉम ट्वेंटी वन दिस इज फ्रॉम ट्वेंटी टू अब यू पी एस सी ही अपना पैटर्न चेंज कर देती है कि दो हज़ार इक्कीस के बाद आप पी वाई क्यूज़ पढ़ के गए थे नाउ ट्वेंटी ट्वेंटी टू केम आउट टू द न्यू पैटर्न तो अगर मैं इस रट पर अटका रहा हूँ कि भाई यू नो पी वाई क्यूज़ ही हैं जो बेस्ट सोर्स है एंड टेस्ट सीरीज कभी भी यूजफुल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आई एम मिसिंग आउट ऑन द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिकॉज आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट टेस्ट सीरीज़ का यूज़ के सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक्चुअल एग्जाम की तैयारी कर लूँ टेस्ट सीरीज सो हेल्पिंग मी यू नो अंडरस्टैंड कि मैं नॉलेज अप्लाई कर पा रहा हूँ अपनी या नहीं दूसरी चीज़ कि क्या एम सी क्यू सॉल्व करने की मेरी प्रैक्टिस हो गई है ओ एम आर में बबल्स भरना मेरे को आ गया है बिकॉज सी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स की लोग ओ एम आर भरने की प्रैक्टिस कभी कहीं नहीं है एग्जाम में जाकर सीधा ओ एम आर शीट मिली है एंड अब क्या किया है पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और लास्ट के पंद्रह मिनट लग के ओ एम आर भरने के लिए वहाँ हड़बड़ी में एक ओ एम आर आगे से पीछे हो गया एंड फिर अगले चालीस एक एक एक्स्ट्रा एक एक हो गए जो कि इज द वर्स्ट काइंड ऑफ मिस्टेक टू मेक तो भी एम सी क्यू प्रैक्टिस हो रही है आपकी टेस्ट सीरीज में पीवाई क्यू में करनी है पी वाई क्यू में करूँ बट एम सी क्यू प्रैक्टिस जरूरी है द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सरप्राइज एलिमेंट कि जब आपको ही नहीं पता है यूपीएससी पैटर्न चेंज कर देगा अगले साल तो भैया मैं रैंडम क्वेश्चन जब टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं तो मैं एटलीस्ट अपना टेम्परमेंट बिल्ड तो कर रहा हूं आई एम एटलीस्ट बिल्डिंग माई टेम्परमेंट कि भाई इन केस ऑफ अ सरप्राइज क्वेश्चन इन केस ऑफ अ रैंडम क्वेश्चन कमिंग अप आई एम प्रिपेयर्ड कि भाई डील करना है देखा जाएगा कैसे करना है राइट सो विच वन टेस्ट सीरीज के बारे में अगर बात करें तो पी वाई क्यू टेस्ट सीरीज अगर आपको मिलती है विच वी आर ऑलसो यू नो अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यू पी एस सी प्रेप की वेबसाइट कोर्सेज डॉट यूपीएससी प्रेप डॉट कॉम पर आप जाओगे वहां पर पी वाई क्यूज पिछले सात आठ साल के आपको मिल जाएंगे एज अ टेस्ट सीरीज फॉर्मेट पी वाई क्यूज टेस्ट सीरीज तो दो ही बट एनी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो विजन की अच्छी है फोरम की अच्छी है यू नो इनसाइट्स की अच्छी है यूपीएससी प्रेप डॉट कॉम की भी आप देख सकते हो एनी टेस्ट सीरीज गोज स्टिक टू वन गेट अनादर वन इन केस यू वॉन्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस राइट तो यूज केस ये आपका है क्योंकि यूज केस के बाद आता है असली काम टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज का काम ये नहीं है सिर्फ कि मेरे को रैंडम क्वेश्चन दे के और अपना सर दिमाग खराब करना है टेस्ट सीरीज का काम है फॉर मी टू अंडरस्टैंड द कांड ऑफ मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग राइट सो टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स सबसे बेसिक मिस्टेक हमारी रहती है कि भाई क्वेश्चन आया था उसके बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो नेचुरल सी बात है यार ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे एंड इन सच के सोल्यूशन भी सिंपल है आई विल हैव टू रीड मोर अगर मैंने पार्लियामेंट के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो उस पर क्वेश्चन आ जाए मैं नहीं कर पाऊंगा सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक इज़ कि मैंने पढ़ा हुआ है बट मे बी इन दैट मोमेंट मैं रिकॉल नहीं कर पाया रिकॉल का एक और सब पार्ट आ जाता है आपका कि भाई अप्लाई नहीं कर पाया मुझे याद भी आ गई थी चीज़ बट कुछ टेक्निकालिटी की वजह से कि भाई एक्सेप्शन क्या था या भाई रूल क्या था मैं स्पेसिफिकली अप्लाई करना भूल गया तो इन दीज केसेस एम सी क्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आर वेरी वेरी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज़ का मेजर फायदा आपको यहाँ पे होता है क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ी नहीं है वो टेस्ट सीरीज़ से जाके आप नहीं सीख रहे हो तीसरी चीज़ है सिली मिस्टेक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो वेर टेस्ट सीरीज इज़ हेल्पफुल क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि क्वेश्चन ने बोला था इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करने के लिए मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिए क्योंकि ध्यान नहीं गया या भाई मतलब मुझे बी मार्क करना था मैंने सी मार्क कर दिया या द वर्स्ट काइंड ऑफ एट की ओवी मार्क में भरते हुए मतलब एक क्वेश्चन नीचे का मार्क हो गया तो मैंने दो क्वेश्चन के अपना वाट लगा ली क्योंकि मतलब एक क्वेश्चन तो वो गलत छोड़ ही दिया मैंने अगले क्वेश्चन को मार्क कर दिया मैंने राइट right, सो so, एम सी क्यू सोल्व करते हुए टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए ये टाइप की सिल मिस्टेक्स हमें पता चल जाती है एंड इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि मैं अपने फोकस पे काम करूँ फोकस पे काम करने के लिए आई रिकमेंडेड मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन दैट यू नीड टू मेडिटेट यू नीड टू वर्कआउट वर्कआउट में एरोबिक वर्कआउट माने कि आपको ज़्यादा मसल बिल्डिंग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है इफ़ यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक थर्टी मिनट्स मतलब ये रिसेंटली uh, हमने एक टेलीग्राम पर लाइव स्पेस किया था वहाँ पर भी मैंने एक स्टडी शो करी थी कि फॉर एक्जाम्पल दीज वंस हारवर्ड हेल्थ पब्लिशिंग का ये आर्टिकल है जहाँ पर एक्सरसाइज कैन बूस्ट योर मेमोरी एन थिंकिंग स्किल्स एंड सिमिलरली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन फॉर द यू एस में ये एक आर्टिकल या पेपर पब्लिश हुआ हुआ है जहाँ पे इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन कॉग्रेटिव फंक्शनिंग एंड वेल बीइंग फिजोलॉजिकल बेनिफिट है क्या है और यहाँ पर इन्होंने काफी क्लियरली लिखा हुआ है इन द एब्सट्रैक्टेड सेल्फ दैट मच एविडेंस शोज दैट फिजिकल एक्सरसाइज ए नॉर्मस बेनिफिट ऑन बोथ कॉग्नेटिव फंक्शनिंग एंड वेल बीइंग तो यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो यार ये इन जनरल आपको काम करना पड़ता है थोड़ा सो दैट यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट ये सिली मिस्टेक्स बहुत बार इस कारण से होती हैं कि भाई मैंने खाना नहीं खाया था ठीक से मैंने सोया नहीं था ठीक से या मुझे स्ट्रेस था किसी चीज़ का तो अब लाइक उसका वही इलाज है दैट यू डील विद द स्ट्रेस दैट यू डील विद द स्लीप क्योंकि वो नहीं करोगे तो इर रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितनी पढ़ाई करी है वो सिली मिस्टेक आप जाके फिर से करोगे क्योंकि ये मिस्टेक्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वेर योर मार्क्स इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम बिकॉज आपका जो मैक्सिमम एंड ईजिएस्ट इंप्रूवमेंट इन मार्क्स आने वाला है ईजीएस्ट कि भाई जित में सबसे कम एफर्ट मुझे लगेगा फॉर इंप्रूवमेंट इन मार्क्स लेट्स से गोइंग फ्रॉम लेट्स से सिक्सटी टू एट्टी मार्क्स टू एटी टू हंड्रेड मार्क्स विल बी बाय एलिमिनेटिंग दी सिली मिस्टेक्स जहां पर मैंने करेक्ट इनकरेक्ट या ये ऑप्शन उधर कर दिया ये टाइप की चीजें आप हटाओगे ना तो दैट इज द इजिएस्ट इंप्रूवमेंट इन मार्क्स दैट यू कैन गेट द सेकेंड इंप्रूवमेंट इन मार्क्स विल कम फ्रॉम रिकॉल इशूज की चीज मैंने पढ़ ली थी जो कि हम यहां बात कर रहे थे रिकॉल या एप्लीकेशन में दिस इज वेरी योर टेस्ट सीरीज कैन बी मोस्ट हेल्पफुल राइट कि टेस्ट सीरीज आपकी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इज दिस सेकंड ऑर्डर ऑफ मिस्टेक्स एंड थर्ड ऑर्डर आपका आता है कि आई एम डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजनस कि मैंने जो आंसर सही किया है क्योंकि बहुत बार आपने ये भी देखा होगा दैट आई मार्क्ड एन ऑप्शन करेक्टली बट मे बी दैट इट्सल्फ वॉज द मिस्टेक कि मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क तो कर दिया बट मैंने सोच के सही नहीं किया था क्योंकि मेरा जो लॉजिक था वो बिल्कुल ही अप्लाई वहां नहीं हो रहा है एंड दीज सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक्स जो कि मैंने करेक्ट कारण से करेक्ट आंसर किया है कि नहीं किया जो करंट पैटर्न ऑफ फिल्म हैं इसमें बहुत ज़्यादा होने का चांसेस हैं क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे इस टाइप के ऑप्शन आप देखोगे तो मैंने मान लिया कि भाई ब्रांड रिकग्निशन एसेट में आ रहा है इन्वेंट्री एसेट में आ रही है और मेलिंग लिस्ट एसेट में आ रही है मैंने मार्क किया है ओनली थ्री बट ये तीन सही ऑप्शन नहीं है कुछ और ही सही ऑप्शन है सो यू नो दिस इज वेयर द आइडिया दैट आई एम मार्किंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रीजन्स And ये चीज आपकी आती है एनालिसिस में कि भैया मैं जब भी टेस्ट में मिस्टेक करता हूँ फिल्म्स के टेस्ट सीरीज में मिस्टेक करता हूँ आई गो बैक एंड रिव्यू माई सोर्सेज आई गो बैक एंड रिव्यू माई नोट्स और आई गो बैक एंड रिव्यू द बुक्स ताकि मैं इस चीज़ पर क्लियर रहूँ कि भैया मैं आंसर जो कर रहा हूँ वो सही कारण से कर रहा हूँ तुक्के में पास होना ठीक है मतलब यू नो हम सब चाहेंगे कि भाई तुक्के से बाई चांस पास हो जाए बट दैट इज नॉट अ रेप्लीकेबल मेथड टू सक्सेस एंड लॉन्ग टर्म आपको अपनी ग्रोथ के लिए यही चीज़ देखनी है कि भाई क्या चीज़ है जो इर रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिज अगर मैं सौ बार अटेम्प्ट करता हूँ तो नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट टाइम्स आई विल बी एबल टू डू दिस इज वाई द हार्डेस्ट इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स कम्स फ्रॉम दिस एरिया बट द इजिएस्ट इंप्रूवमेंट विल बी द सिली मिस्टेक्स एंड द सेकेंड विल बी योर रिकी कॉल इश्यूज एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स आपकी वही थी कि जैसे फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब दिस गिव्स मी स्पेस कि भाई पोटेंशियली हाँ ट्रू हो सकता है तो भाई ये एप्लीकेशन वाली चीज थी मेरे को नहीं पता कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस इज नॉट इवन अ नॉलेज का क्वेश्चन दिस इज सिंपली एन एप्लीकेशन का क्वेश्चन क्योंकि अगर मैं जस्ट बाय लॉजिक जा रहा हूं इस क्वेश्चन में कि भैया हाँ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होने ही चाहिए बिकॉज आई नो दैट देर आर यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सट्रीमो मुझे नाम नहीं पता कौन सा है बस मुझे कैटेगरी पता है कि शायद है ऐसे राइट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हां डेफिनेटली एक् एस्ट्रीमोफाइल एसिडिक एक्सट्रीमोफाइल कैन ग्रो हां मतलब हो सकते हैं यार मुझे नहीं पता बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक आई वॉज एबल टू अप्लाई एंड प्रोबेबली सॉल्व दिस क्वेश्चन सिमिलरली अगर एक और क्वेश्चन हम देखें तो दिस इज थर्टी सेवन फ्रॉम सी एस पी ट्वेंटी थ्री अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर कॉन्ट्रोडिक्टी फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि लोकसभा सबमिट करता है तो राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल सेकेंड में बोलता है कि राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल तो नेचुरल सी बात है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट साथ में सही तो नहीं होंगी तो क्या ये एप्लीकेशन वाली चीज नहीं है राइट तो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड दीज आर द थिंग्स दैट विल बी मोस्ट रेलिवेंट ओवर हेयर कि भाई रिकॉल या एप्लीकेशन जो मैं टेस्ट सीरीज से इंप्रूव कर पाता हूँ अपनी या मेरे गैप्स को मैं फिल कर पाता हूँ उसके लिए टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूँ राइट विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट कि भाई टेस्ट हमें कब देने चाहिए नाउ टेस्ट देने का ऐसे एक जनरल आइडिया मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ नाउ दिस इज़ नॉट इवन कि भाई मतलब सिर्फ यही आइडिया है और कोई तरीके से आप टेस्ट नहीं दे सकते हो बट जनरल आइडिया इज़ कि आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है आई शुड यूज अ डिफरेंट पेन यू रेड द सब्जेक्ट यू डन द पी वाई क्यूज एंड देन यू गिव अ टेस्ट राइट एंड दूसरी चीज जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो गिव द टेस्ट इन द एग्जाम सेटिंग एग्जाम सेटिंग का माने कि भाई 9:30 थर्टी ए एम is when you're giving GS जी एस का टेस्ट एंड टू थर्टी पी एम इज़ giving यूर गिविंग सी सैट का टेस्ट टेस्ट को इवेल्यूएट जब आप कर रहे हो एनालाइज जब आप कर रहे हो तो दो घंटे अगर टेस्ट दिया जाए तो दो से तीन घंटे आपको टेस्ट के इवेल्यूएशन में लगेंगे उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे बट बेसिक आइडिया ये है कि अगर मैं साढ़े नौ बजे उठ के के जोन में होता हूँ तो देट मेक्स माई लाइफ ईजियर क्योंकि ऐसा नहीं होगा फिर कि भाई एग्जाम के दिन जाके साढ़े नौ बजे मुझे नींद आ रही है राइट right? एंड एंड अगर हम ये प्लान शीट के बारे में बात करें जो हमने दी थी फोर मंथ प्लान की तो इस फोर मंथ प्लान शीट में भी हमने इसी तरीके से आपको बोला हुआ है कि भाई आपने जब एक बार रीडिंग ख़त्म कर ली मॉडर्न इंडिया की देन यू एनालाइज़ मॉडर्न इंडिया के पी वाई क्यूज़ एंड देन यू गिव अ टेस्ट यू नो जोग्रफी की रीडिंग खत्म कर ली मैप्स एंड एटलस कर लिए जोग्रफी पी वाई क्यू का एक दिन है पूरा फिर टेस्ट दो आइडिया यही है कि भाई पहले सब्जेक्ट कर लिया सब्जेक्ट के बाद जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूबी किस तरीके के क्वेश्चन यू पूछता है एंड देन कमिंग टू द टेस्ट ना बहुत बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार मैं टेस्ट कैसे एनालाइज करूँ क्यों करूँ मेरे से खुद से नहीं हो रहा है एंड इन सच ए केस इफ़ यू वॉन्ट अ मेंटोर फॉर योर सिविल सर्विसज प्रेपरेशन पर्टिकुलरली फिल्म ट्वेंटी के लिए तो यू कैन चेक आउट द फिल्म थ्री सिक्सटी कोर्स बाई विजिटिंग कोर्सेस डॉट यू पी यहाँ पे आपको वन टू वन मेंटरशिप मिलेगी कंप्लीट कवरेज थ्रू लाइव लेक्चर्स फॉर एंड सी सैट

तो राउंड्स का क्या सिस्टम है इसके बारे में एक लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट एन ओएमआर शीट एंड उसके हिसाब से बात करते हैं राइट सो दिस इज़ जनरली व्हाट अ यूपीएससी का प्रीलिम्स ओएमआर शीट लुक्स लाइक ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मेरा काम क्या होता है कि जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ लेट्स से मैंने ट्वेंटी नाइन का मार्क करना है अभी तो मैं इसको पूरा काला कर दूंगा इस तरीके से राइट बट देयर इज़ वन थिंग मोर दैट आई वांट यू टू डू व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम राउंड्स में जब हम पेपर अटैम्प्ट करने की बात करते हैं तो वो बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है कि मेरे को हर क्वेश्चन से सीक्वेंशली नहीं झगड़ना है माने कि मेरे को वन टू हंड्रेड क्वेश्चन करने के लिए किसी ने नहीं, नहीं बोला एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते इस चीज़ के लिए तो मैंने लेट्स वन टू टेन क्वेश्चन चालू किए वन टू टेन क्वेश्चन में मेरे को लगा कि भाई फोर क्वेश्चन जो है मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं बाद में देखता हूँ तो फोर क्वेश्चन को मैंने बस यहाँ पर ऐसा गोला मार दिया ये एक्चुअली यू के एग्जाम प्लीज़ मत करिएगा बिकॉज लाइक यू नो योर आर कैंडिडेट और गेट कैंसल्ड बट द आइडिया बींग कि मैंने यहाँ पे इसको सिंपली इस तरीके से एक बार मार्क कर लिया सो so दैट मेरे को आसान रहे इन द एक्चुअल एग्जाम वोट यू कैन डू इज कि क्वेश्चन पेपर पे ऐसा गोला मार्क कर लो कि पन्ना पलटोगे तो जहाँ पे गोला मार्क किया हुआ वो आपको पता है बाद में करना है तो वन टू थ्री मैंने कर लिया फोर फाइव मैंने छोड़ दिया देन सेवन एट सिक्स सेवन एट नाइन टेन कर लिया देन इलेवन छोड़ दिया इस तरीके से क्या किया मैंने जो आसान सवाल थे मेरे सारे मैं एक एक बारी में करता गया एंड देन ऑल ऑफ दिस सर्कल्ड क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट फॉर राउंड टू फंडा क्या है फंडा यहां पे ये यह है कि मैं राउंड वन में सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहा हूं दैट आई एम श्योर अबाउट राइट कि मेरे को डाउट नहीं है मेरे को कॉन्सेप्ट पता है मैंने रिकॉल कर लिया ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट विद सेकेंड क्वेश्चन में जो मेरे डाइसी क्वेश्चन हैं कि या तो मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है या मुझे कुछ एक या दो ही ऑप्शन इसमें से पता है राइट right? कि जहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ करेक्ट आंसर इज 50 परसेंट और 33 परसेंट बेसिक आइडिया कि मैं सिर्फ एक या दो ऑप्शन हटा सकता हूँ तो इन सच अ केस राउंड टू वाले जो क्वेश्चन हैं और राउंड वन वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस हमें देखना है फंडामेंटल डिफरेंस क्या कि जब मैं वापस आके एनालाइज करूंगा वापस आके मतलब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है ये मैंने सबमिट कर दिया है राइट सारे गोले मैंने भर दिए तो सारे गोले नहीं भरे बट <laughs> जब मैंने पेपर कंप्लीट किया एंड जब मैं एनालिसिस पे वापस आता हूँ तो मैं राउंड वन में मैंने कितने क्वेश्चन किए वर्सेस राउंड टू में मैंने कितने क्वेश्चन किए एंड राउंड वन में मेरी एक्यूरेसी क्या थी क्योंकि मेरे हिसाब से राउंड वन वाले क्वेश्चन पर मैं श्योर था मेरे को कोई डाउट नहीं था उन पर राउंड टू वाले क्वेश्चन में डाउट था तो ये चीज़ आपको अनालिस के वक्त अपनी देखनी है कि अगर मजोरिटी ऑफ माई क्वेश्चन आर कमिंग इन राउंड टू तो माने कि मेरा सब्जेक्ट का ग्रास वीक है क्योंकि मैं हर चीज पे डाउटफुल हो रहा हूं या फिर पेपर टफ है राइट right? ऐसा भी हो सकता है कि पेपर इतना टफ है कि नो मैटर हु इज गिविंग द एग्जाम दे आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन बट इफ आई एम डूइंग मोर क्वेश्चन इन राउंड वन दैट मीन्स मेरा पेपर का ग्रास्प अच्छा है सेकंड चीज पे हम आते हैं कि भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी है राउंड वन में राउंड वन में मेरे हिसाब से तो हंड्रेड होनी चाहिए थी क्योंकि मुझे आते थे तो इफ योर एक्यूरेसी इन राउंड वन फॉल्स बिलो 80% 80% हम अपने आप को थोड़ी अलाउंस देते हैं एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट से नीचे आपकी एक्यूरेसी यहां गिर रही है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को दोबारा चेक करना है क्योंकि आप श्योर हो बट फिर भी गलतियां हो रही हैं राउंड टू में मेरी एक्यूरेसी जो है इफ इट इज सिक्सटी परसेंट आई एम मोर देन हैप्पी क्योंकि राउंड टू के क्वेश्चन वैसे भी मुझे पूरे नहीं आते थे तो के ही मार रहे थे तो राउंड टू वाली जो चीजें हैं वहां पे मैं कम एक्यूरेसी के साथ भी अपने आप को दिल का चैन मन की शांति देके आगे जा सकता हूँ राइट right. फाइनली कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रीडिंग द सोल्यूशन अगर राउंड वन में जो क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं जो कि मुझे लगा था कि भाई मैंने सही किए हैं एंड यू नो मैंने गोला नहीं मारा उनको ओ एम आर शीट पर जैसे वन टू थ्री फोर वाले यहाँ पे क्वेश्चन हैं तो मैंने इनको कर दिया ए बी सी तो ये वाले क्वेश्चन मेरे सही मेरे हिसाब से भी थे एंड सही हुए भी हैं तो इनका बार बार मेरे को जाके यू नो सोल्यूशन पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है नज़र मार लो उस पर एक बार कि हाँ मतलब सही चीज़ सोच रहे थे ना बहुत बढ़िया बट जो क्वेश्चन मुझे लगता था मेरे सही हैं बट हुए गलत हैं दैट इज द प्लेस वेर यू वॉन्ट टू पे मोस्ट अटेंशन क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि जो चीज पता है गलत है और वो सही निकले वहां प्रॉब्लम है क्योंकि उस जगह पे आप बार बार मिस्टेक करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों मिस्टेक कर रहे हो सो दैट इज व्हाट यू हैव टू पे मोस्ट अटेंशन टू द एरियाज दैट यू थॉट यू न्यू बट यू डिड नॉट जो राउंड टू वाली चीजें हैं जहां पे ऑब्वियसली गलतियां ज्यादा हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी वहां पे आपको अपने टॉपिक्स में जाके किताबों से अपने नोट से रिविजन करना है राइट सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन अनालिस इज कंप्लीट ऑफिसर एंड अगली वीडियो जो मंडे को आएगी देर आई शेयर सम सैंपल नोट्स कि भाई प्रिलम्स के लिए आप सैंपल नोट्स कैसे बना सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी का एग्जाम्पल मैं देके बताऊंगा एक ऑब्वियसली एक्सेल शीट में इसकी शेयर करूंगा आपके साथ एंड पी डी एफ वी डी एफ टेलीग्राम पर सारी चीज़ें रहेंगी बट दी आइडिया विल भी कि टाइम कम कैसे लगाया जाए काम आसान कैसे किया जाए इन बेसिक चीज़ों के बारे में पहले भी बात करी है बट अगेन विल टॉक अबाउट दीज अगेन इन मंडेज वीडियो सो दैट वी ऑल बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यू पी एस सी जर्नी